कल हमने प्रायिकता की पूरी थ्योरी पढ़ ली बहुत अच्छे से, खूब सारे नोट भी लिखे अपन ने, खूब सारे पॉइंट्स भी लिखे, है ना। अब बच्चों हमें कुछ खालिस्तान भरने, ठीक है। पहला खालिस्तान जो आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है, सबको पता है आराम से। और सही जवाब उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या है, और ऐसी घटना संभव असंभव घटना उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना क्या है, ऐसी घटना। और एक और नाम संभव संभव घटना कुछ नहीं, याद रखना संभव ये कोई आंसर नहीं है, या तो निश्चित या अवश्य, निश्चित घटना या अवश्य। समझ में आई, इस खालिस्तान में पूरा आएगा असंभव घटना, सही है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक प्रायिकता का योग क्या होता है, एक बताया था कल। किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है, से बड़ी या उसके बराबर होती तथा कल भी अपन इन पे चर्चा कर ली थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अगली चीज पे, हम कल चर्चा नहीं कर पाए थे, वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, बताइए क्यों, क्योंकि प्रायिकता माइनस में नहीं होती, जीरो से कम नहीं। लेकिन अमन कई लोग कहते हैं बेटा सर प्रायिकता एक से बड़ी भी तो नहीं होती, ये तो 15 है, ये 15% है, प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग 0.1। तो वैशाली जब पेपर में ये ऑप्शन नहीं आता और लिखा आता इनमें से कोई नहीं, तो लोग लगाते हैं 15 अगर होता तो वाकई 15 प्रायिकता नहीं हो सकते, लेकिन ये 15 और 0.7 तो एक से कम है ही। यहाँ देख लीजिए 2/3 भागने या भागनास्ती का तीसरा कार्य 0.6 के समथिंग, मतलब ये भी एक से कम है, तो इसका आंसर आ जाएगा केवल क्या, बी, प्रायिकता माइनस की नहीं हो सकती, क्या सीधा 0% ही बनेंगे तुम लोगों के। अगला ये सब देखो ऑब्जेक्टिव आना है, एक आज ही पढ़ लिया काम खत्म हो गया, आप पढ़ो नहीं पढ़ो ये सवाल भूल जाओ और मेरी बात सुनो। सोचो कि आज बरसात होने की प्रायिकता 0.3 है, तो बरसात ना होने की प्रायिकता क्या होगी, मैथिली कल मैंने तो बताया था कि P बार मतलब E के घटित ना होने की प्रायिकता 1-P, 1 में 0.3 कितने हुआ 0.7, तैयार सुपर फास्ट चलो। ये है आज बरसात होने की प्रायिकता 0.4, तो बरसात ना होने की, एकदम सही जवाब। आज बरसात होने की प्रायिकता 0.2 ना होने की, सही जवाब। आज बरसात होने की प्रायिकता 0.04 सही है, गलत है, देखो अभी गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो ये वहां भी होगा। अंजल आप भैया सियाने ना बने, आप बस यहां ध्यान दें कि आपको अगर पीई बार निकालना है तो 1 में से 0.0 बार घटाइए, 1 में से घटाने के लिए इसको लिखें 0.04 दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, 10 में से 4 गए 0.9। और जो आपने गलती की है वो सब करते हैं, वो आता हमेशा ऐसे ही है। अपन अपने सबको याद रहेगा नहीं रहेगा, अपन अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। वैशाली पीई कितना है बेटा, 0.05, तो हमें निकालना है पीई नहीं, कई लोग ई नहीं की जगह शॉर्ट में क्या लिखते हैं ई बार, दोनों को मतलब एक ही है, बराबर 1 माइनस पीई 1 माइनस 0.05, तो ये बचा 0.05, सही है ना। हाँ तो भैया 1.00 0.05, 10 में से 5 गए 5, 9। तो जो गलती मैंने की वो तुम तो नहीं करोगे। दोस्तों वैसे तो हम लोग बुक के ही सवाल करते हैं, पर अब शुरुआत में आपको समझाने के लिए मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल टिपिकल नहीं है, अगर आप समझ पाए कि परिस्थिति क्या है, ठीक है। शुरुआत तो बहुत सरल कर रहे हैं लेकिन लिखने का तरीका अपना जबरदस्त होना चाहिए। बताओ कहाँ है शेर के नंबर,
जब चॉइस होता है तो क्या बोलते हो? कभी नंबर नहीं बोलते? चलो जाम सिक्का उछाल रहे, क्या आएगा? पक्का है? जल्दी बताओ, शेर आ गया है? अच्छा, एक बार और उछाल रहा है तो क्या आएगा? शेर ही आएगा? चलो चलो चलो, हम ये बोल रहे हैं, कुल मिला के बात ये है कि सिक्के उछालने पे केवल दो परिणाम हो सकते हैं, या तो शेर या तो नंबर। पर सवाल में शेर नंबर बोल नहीं पाते हैं। ये सिक्का देखा तुम लोगों ने, एक का पुराना सिक्का है, इसको बोलते हैं चित्त। आराम से, इंग्लिश में हेड बोलते हैं, हिंदी में चित्त बोलते हैं। चित्र बना है ना, चित्त का मतलब ये होता है कि कोई लेट गया, जैसे कि शेर लेट गया है, इसलिए इसको चित्त बोलते हैं। शेर लेट गया है, चित्त, चित्त माने लेट जाना, पहलवान चित्त नहीं कर देते। और ये पट्ट, तो पट्ट का कोई वो नहीं है, इंग्लिश में टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। चित्त का उल्टा पट्ट होता है, ठीक है? तो ये चित्त है और ये पट्ट है, हेड और टेल। तो एक सिक्के को उछालने पर या जो भी हम काम करेंगे आगे जाके, उसमें एक जरूरी चीज होती है, प्रतिदर्श समष्टि। क्या? अरे भाई, ये प्रतिदर्श समष्टि मतलब कोई भी चीज़ आप जो कार्य कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अगर हम पांसा फेंक रहे हैं तो छह प्रतिदर्श समष्टि हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 हैं, लेकिन 2 सिक्के उछाल रहे हैं, पता नहीं, लेकिन हो सकता है हो 4 हो, ठीक है। अगर हम ताश की गड्डी से पत्ता खींच रहे हैं तो 52 समष्टि हैं, क्योंकि उसमें 52 अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। अगर क्लास में से एक बच्चा सुन रहे हैं तो 110 समष्टि, बिकॉज 110 बच्चे पढ़ते हैं क्लास में। समझ पाए मेरी बात? तो ऐसे ही अपन हर बार जब कुछ भी पढ़ेंगे तो पहले समझेंगे कि उसमें क्या क्या हो सकता है, ताकि हमें प्रत्येक समझ में आ जाए। अभी हमने सिक्का उछाला, सिक्के में केवल 2 चीज़ होती है, हेड या टेल। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देंगे, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, बहुत आता है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, तो इसमें सबको पता है, हमने कल देख भी लिया था कि भाई हेड टेल का टॉस क्यों करते हैं, बिकॉज उसके आधे चांस हेड के होते हैं, आधे चांस कल ही किया था अपन, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। सीख लिखते कैसे? सबसे पहले हम लिखते हैं एक सिक्के को, सॉरी, सबसे पहले हम लिखते हैं एक सिक्के को उछालने पर, क्या मतलब प्रतिदर्श समष्टि का, क्या क्या हो सकता है। इसको एस दर्शाते हैं, कोष्टक लगाते हैं, इस कोष्टक को समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते? अब इसके अंदर वो लिखेंगे वैसा जो हो सकता है, हेड आ सकता है या टेल, और कुछ हो सकता है नहीं, तो बस 2। सभी संभव परिणामों की संख्या 2, समझ में आया? 2 से ज्यादा कोई चीज नहीं, या तो हेड आएगा, बस संभव परिणाम कितने हैं? 2, इससे ज्यादा नहीं। चित्त आने की घटना, घटना मतलब जीतने की, तो इसमें से चित्त ये है, समझ में आया? तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। प्रायिकता मैंने कल आपको बताई थी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे या सभी संभव परिणाम। आपकी बुक में कुल परिणाम की जगह लिखा है सभी संभव परिणामों की, पी बराबर एनी अपॉन एन एस। तो अपन चूंकि 2 नंबर में आता है, इसलिए अधिकांश ये सूत्र लिखते नहीं है वाला, 1-2 सवालों में लिख लो, ताकि आपको अगर खालिस्तान में आ जाए तो लिखने में क्या रहे, याद रहे, क्या रहे लिखने में, याद। बाकी लोग सीधे लिखते प्रायिकता पी बराबर एनी अपॉन एनी, अनुकूल परिणाम 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? अतः एक सिक्के को छालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2। नहीं आया समझ में? आप बताओ पट्ट आने की प्रायिकता? इसी तो सिक्का उछालते, डाइस नहीं फेंकते, डाइस मैच मैच है, फुटबॉल मैच हो चाहे क्रिकेट मैच हो। एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, एक सिक्के को छालने पर पट्ट आने की प्रायिकता, कौन बताएगा? और लिखना तो पड़ेगा, बोलो। एक सिक्के को उछालने पर एस के अंदर सभी संभव परिणामों की 2। देखो 2 चीज हो सकते, या तो हेड आएगा या तो कितने परिणाम संभव है? 2। 500 तो कितने परिणाम संभव है? 6। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 6, 5, 4, कुछ भी आ सकता है। पट आने की घटना है, केवल एक ही बार आया है पट, तो संख्या 1 प्रायिकता आ गई आपकी, अनुकूल परिणाम संख्या बटे संभव एनी बटे एन एस 1/2। समझ में आया बच्चों? तो ये 2 सवाल आपकी बुक में नहीं दिए, पर ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आ क्या सकते हैं, आएंगे। चित्ताने की 1/2, पट्टाने की 1/2। किसी नहीं पढ़ा तो भी पता है कि आधे आ जाए, कल एग्जाम्पल ही शुरू किया था। अब आपकी बुक का क्वेश्चन कि 2 नंबर में आएगा तो 2 चीजें पूछेंगे, क्या पूछेंगे अमन? अब ध्यान देना,
एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला। सीधे सीधा नहीं लिखेंगे कि सिक्के को एक बार उछाला चित्र, उल्टा लिखेंगे एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला। साथ ही एक हाँ एक बटे दो आंसर है, लेकिन अभी लिखना भी अच्छे से है और दो नंबर में इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते। तो अब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? प्रतिदा समष्टि तो वही की वही, एक सिक्के को साने समष्टि एच टी, सभी संभव परिणाम दो। अब पहला, चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको अपन बोलना है एन एच। एन एच नहीं बोला कि एक को ई बोलना है फिर दूसरे कुछ और बोलना पड़ेगा, तो याद रहे कि चित्त माने है तो चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या एन एच बराबर क्या है, एक नहीं आया सामने तो प्रायिकता क्या आ गई एन एच अपॉन पी एच हेड आने की प्रायिकता, पी एच हेड आने की नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ एच एक बटे दो। ये शॉर्ट में हो गया वैशाली, देखना पड़ता अगर एक नंबर वो आए अकेला एक आया दो नंबर का तो वैसे लिखेंगे, और अगर दोनों आए तो ऐसे लिखेंगे। अगला आएगा तेल आने के अनुकूल परिणामों की एक एक ही तेल है प्रायिकता एन टी अपॉन एन एस, तेल आने की प्रायिकता नंबर ऑफ टी नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सब में आता है एक बटे दो। समझ में आया बेटा? अगर आपको कितने नंबर में आया बेटा ये तो अब ऐसे करना, दोनों नंबर दोनों आ गए ना, एक आया तो वैसे करेंगे। समझ में आया? इसलिए क्या घुसाए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन घुसाए कुछ ही दिन थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ एक दो दिन के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर अपन बुक से ही पढ़ेंगे, पर ये भी जरूरी है पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा। अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका आंसर बिना करे बताइए क्यों, क्यों चित्र और पत्र एक साथ नहीं आ सकते। समिष्टि लिख ली दो हो गए, अब चित्त आने की घटना नहीं, चित्त और पत्र यहां मैंने गलत लिख दिया, आपको लिखना है यहां पे क्या चित्त और पट दोनों एक साथ आने की घटना क्या बने इस कोष्टक में, जीरो। जीरो कैसे कोष्टक में, इसमें से कुछ भरना पड़ता है, मन से कुछ नहीं भरना पड़ता, इस कोष्टक में कुछ भी नहीं भरेंगे। तो इस कोष्टक में अभी आप कितने हैं, जीरो। प्रायिकता एन ई अपॉन एन एस जीरो बटे दो जीरो। समझ में आया बच्चों? नहीं आया, खुशी को नहीं आया समझ में, चित्र पट दोनों वाला कोई था नहीं। समझ में आया? का सिक्का बनाया है, पांच के सिक्के में शेर आ सकता है या नंबर, नंबर दस का एक सिक्का बनाया इसमें शेर आ सकता है या नंबर, वो तो नॉर्मल बात है। अब हम एक सिक्का नहीं उछाल रहे हैं, हम दो सिक्के उछाल रहे हैं और हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमें कोई भी सवाल करने से पहले पता होना चाहिए क्या क्या हो सकता है। राहुल जब मैं ये सिखा दूंगा फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी शर्त में लगाऊंगा, तो आप मुझे बताना मैंने सही शर्त लगाई कि गलत शर्त में, ठीक है? देखिए हो सकता है पहले सिक्के पे शेर आ जाए और दूसरे सिक्के पे भी शेर आ जाए, एक चीज ये हो सकती है, हो सकती है, हो सकता है दोनों को उछाल रहे साथ में, हो सकता है पहले पे नंबर आ जाए और दूसरे पे भी नंबर आ जाए, ठीक ठीक। अब आप मुझे बताइए क्यों छोर हो सकता है? नहीं हो सकता, कहा हो सकता है एक शेर भी हो गया नंबर सब तो हो गया। अच्छा एक और हो सकता है, पहले पे आ जाए शेर दूसरे पे आ जाए नंबर, बस अब तो एक और हो सकता है पहले पे नंबर दूसरे पे चलिए शेर, हाँ चलिए मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए शेर होना चाहिए, चलिए लिखा सही है मैंने टी एच, सही है हो जाता है कभी कभी गलत, कोई दिक्कत नहीं था, एनिमेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है। चलिए तो मैं ये कह रहा था कि चार चीजें हो सकती है, और कुछ हो सकता है तो असल में देखो एक सिक्का चलो दो, दो छाड़ो दो दूनी चार, तीन छाड़ो दो दूनी चार दूनी आठ, चार छाड़ो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, ये तरीका है वैशाली, ठीक है? चलो दिमाग खराब हो गया, तो कुल मिला के चार परिणाम, दो सिक्के को छालने पर क्या क्या घटना हो सकती, चार घटनाएं हो सकती हैं। अंजुल पहली घटना है कि दोनों पे हेड आ जाए, दूसरी घटना दोनों पे, एक और घटना है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, और एक और घटना है, समझ आया? अब आप मेरी बात सुनिए बहुत इत्मीनान से, वरना गलती हो जाएगी। अब मैं आपको शर्त बता रहा हूँ, कुल परिणाम कितने हैं चार, मैंने शर्त लगाई कि हम दोनों पे हेड लेकर आएंगे तो प्रायिकता क्या आएगी, दोनों पे हेड लेकर आएंगे कि दोनों पर हेड आने की घटना यही है, तो मैं होशियार हूँ गधा हूँ, बताओ बताओ अरे कुछ नहीं सही बताओ, जो भी ये शर्त लगा रहा है कि दोनों पर हेड लाएंगे वो होशियार है गधा है, क्योंकि दोनों पर हेड आने की घटना केवल एक है, यदि चार घटनाएं हो सकती तो एक बड़ी प्रायिकता काफी कम है। अगली शर्त मैंने बोला कि मैं एक पर हेड लाऊंगा
और एक पर 10, तो मैं कब कब जीतूंगा? इसमें जीतूंगा मैं, क्योंकि तुमने बोला कि एक पर हेड लाइन और एक पर, इसमें जीतूंगा मैं, क्यों इसमें जीतूंगा, इसमें इसमें कैसे जीतेगा? हमने ये थोड़ी बोला कि पहले पे हेड लाएंगे और दोनों बोला एक पर हेड लाएंगे और दूसरे पे टैग। बेटा देखो वैशाली, मैं तो होते सवाल करा था, मुझे पेपर में अकी बुक में दिए, पर अगर आप मेरे सुन लोगे तो आप वहां कोई भी सवाल कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मेरी क्लास को सुने, जो नहीं सुनते वो बहुत नुकसान में जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। देखिए मैंने कहा था मैं एक पर हेड लाऊंगा एक पर टैग, मैंने ये तो थोड़ी बोला कि अगर मैं बोल देता तो पहले पे हेड और दूसरे पे डाल, तो फिर मेरा कवर यही होता। इससे सही है 2/4। अब एक गजब सवाल तो पता है, मजा आना चाहिए। हमने बोला कि हम दो ही सिक्का उछाल रहे हैं, दो ही सिक्का उछाल रहे हैं, कम से कम एक हेड तो आएगा, कम से कम एक हेड तो आएगा। बताओ हम इसमें जीत जाएंगे? एक हेड तो आ गया, इसमें जीत जाएंगे? एक हेड तो आ गया, इसमें जीत जाएंगे? तो इसमें जीत जाएंगे? हमने बोला था कम से कम एक हेड तो आएगा, तो 3/3 नहीं आएगा। अगर मैंने बोला एक हेड आएगा तो इसमें हार जाएंगे, तुमने बोला था एक हेड आएगा तो एक इसमें आया एक इसमें आया, लेकिन इसमें हम क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो कम से कम एक, केवल एक, एक से ज्यादा है नहीं आएगा, ऐसे कही। अब एक और शर्त लगाए हमने, हम फेंक रहे हैं एक से ज्यादा हेड नहीं आएगा। सुन लो मेरा कथन, सवाल वाल लिखने से कुछ नहीं होता, मुझे पता है 10-15 लोग हैं जो यहां पढ़ने आ रहे हैं। एक से ज्यादा हेड नहीं आएगा मैंने बोला, अब बताओ मैं इसमें जीतूंगा? क्यों इसमें जीतूंगा? क्यों नहीं जी? मैंने क्या बोला था एक से ज्यादा हेड नहीं आएगा, आया क्या? इसमें मैं जीतूंगा, इसमें मैं जीतूंगा। मैंने क्या बोला था, मैं एक से ज्यादा हेड आया क्या? एक से ज्यादा दो ही टेल आए तो हम जीत गए ना, इसमें जीतूंगा बिल्कुल। एक आया, मैंने क्या बोला था एक से ज्यादा है, इसमें समझ में आया? इसको बोलते बातें घुमाने की कला। आप सभी को क्या करना है, आपको अपना अपना एक सवाल बनाना है घुमा के, कुछ भी बोल सकते। हमने बोला कि दोनों टेल नहीं आएंगे, दोनों टेल नहीं आएंगे तो इसमें जीतूंगा, इसमें इसमें ठीक है। अब मैंने बोला कि दोनों सिक्कों पर टेल आएगा नहीं, तो फिर मैं केवल इसमें जीतूंगा, क्योंकि एक में भी आ गया तो हार गया। तो बेटा कथन कथन की बात है, अंजल जो लोग मुंह बनाने को पता नहीं, अपना सवाल अब अलग से सर आपने जो नहीं कराया था वो आ गया, और हमें हंसी आई है मन ही मन कि मैंने इन बच्चों को एनिमेशन के थ्रू समझाया कि चीज क्या है, और उन बच्चों ने सवाल रटने वाला, वो तो हर कोचिंग के बच्चे रट रहे हैं, आप भी रट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दो सिक्कों को छानने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की पहचान, आंसर देखो आंसर पता है, इसको पढ़ाना बोलते हैं कि आपको आंसर पता है। देखिए दो सिक्कों पर हेड छानने पर समिष्टि एस बराबर, दोनों पे हेड दोनों पे टेल, दोनों हेड टेल हेड। दो सिक्कों को छानने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, सबसे पहले हम लिखेंगे दो सिक्कों को छानने पर प्रतिशत समिष्टि, क्या क्या हो सकता है आराम से, हो सकता है दोनों पे, हो सकता है दोनों पे, पहले पर है पहले पर टेल, इसके अलावा और कोई घटना नहीं हो सकती, इसलिए परिणामों कुल परिणाम कितनी हुई 4। दोनों सिक्कों पर हेड आने की शर्त लगाई है, बताओ कौन आएगा? और ये आपने बोला दोनों पे, जीतने के परिणाम में केवल एक, तो प्रायिकता आ गई 1/4, कोई दिक्कत? ठीक है आंसर, एक पर है और दूसरे पर टेल। मैंने ये देखो, मैंने ये नहीं बोला कि पहले पे हेड लाएंगे और दूसरे, मैंने बोला एक पर हेड और दूसरे पे टेल, कोई पे भी हेड कोई पे भी टेल, तो ये आ गया HT और TH, इन दो में हमारा पन क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 2, तो प्रायिकता 2/4 मतलब 1/2, समझ आया? अब बच्चों आपकी बुक का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे तो अपनों को समझ नहीं आएगा, आपकी इच्छा आप करें नहीं करें, मैं बुक के क्वेश्चन आपको बुक के भी करा रहा हूँ। बुक का क्वेश्चन है कि हरप्रीत नाम की लड़की है
दो भिन्न भिन्न सिक्कों को उछालती है। आपके लिए मान लीजिए एक का है और एक दूसरा दो का है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए भाई, कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो दो सिक्के उछाल रही तो समिष्टि तो वही होगी अमन, पहले पे है दूसरे पैसे लिख लिया अपन ने। अब हाँ ये तो हो गया चार, कुल परिणाम क्या बोला? कम से कम एक चित्त मतलब एक है, बताओ इसमें जीत जाएगी? यस सर। एक चित्त आ गया, इसमें जीत जाएगी? यस सर। इसमें जीत जाएगी? यस सर। क्यों? बोला है कम से कम एक चित्त, ये तो नहीं बोला था एक से ज्यादा नहीं आएगा, बोले कम से कम एक तो लाए है ना। हाँ ये बोला होता कि एक चित्त, ये बोला होता कि तो बात अलग है, दो में हाँ जाएगा। बोला कम से कम एक लाएंगे तो कितनी सियानी है, उसने बोला कम से कम एक तो लाएंगे, एक आ गया तो जीत गए, और दो हमने बोला था कम से कम एक तो लाएंगे, हम तो दो ले आए तो जीत गए। समझ में आया बच्चों? तो ये सवाल तभी समझ में आएंगे जब आप खुद अपने मन से सवाल बनाएंगे और अपने दोस्त को देंगे, वो अपना सवाल आपको देगा। कम से कम एक, केवल एक, अंतर होते हैं बहुत सारे वैशाली, तो ये तीन चीजें वैशाली इसमें आ जाएंगी और प्रायिकता हो जाएगी बेटा अपनी 3/4। सभी को समझ में आया बच्चों? नॉर्मली बच्चे बेटा ये सूत्र नहीं लिखते हैं, आपको लिखना लिखे नहीं लिखना मत लिखे, वो आपकी इच्छा है। हरप्रीत कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी, इसकी प्रायिकता 3/4। चलिए।